हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को, और ये सीरीज आपको काफी हेल्प करेगी अपकमिंग टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स के लिए। ये क्लास आपको इसलिए हेल्पफुल है बिकॉज यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उन्हीं पर बेस हम उसका एनालिसिस करते हैं और उन्हें इन डेप्थ समझने का ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर डीबीएमएस को डिस्कस किया था। डीबीएमएस पे हम दो पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर और जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसके साथ साथ इसे शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 3 ऑफ डीबीएमएस। सबसे पहले जो क्वेश्चन हमें आ रहा है सामने हमारे, वो क्या है, आइडेंटिफाई द एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड करेक्टर इन ओरेकल डेटाबेस विच रिप्रेजेंट्स 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, एसक्यूएल ऑपरेटर से भी क्वेश्चन दिखता है और एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड करेक्टर से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले एसक्यूएल के अंदर वाइल्ड कार्ड करेक्टर कैसे यूज करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन में परसेंट है, क्वेश्चन मार्क है, अंडरस्कोर है, इवन एस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि एसक्यूएल में वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज कहाँ करते हैं। तो आपने जरूर से पढ़ा होगा एसक्यूएल के अंदर लाइक ऑपरेटर। लाइक इज अ ऑपरेटर जिसका इस्तेमाल हम करते हैं वेयर क्लॉज के अंदर। वेयर क्लॉज के अंदर हम लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, और इसके इस्तेमाल से होता क्या है, अगर मुझे कोई पर्टिकुलर पैटर्न सर्च करना है किसी कॉलम के अंदर तो वहां पे मैं लाइक ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगी। तो पैटर्न सर्चिंग में इस्तेमाल करते हैं लाइक ऑपरेटर का, पैटर्न सर्चिंग में। ठीक है, किसी स्पेसिफाइड पैटर्न को अगर आपको सर्च करना है एनी कॉलम के अंदर तो वहां पे हम लाइक ऑपरेटर लगाते हैं, और लाइक ऑपरेटर के साथ ही हम वाइल्ड कार्ड करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और जो दो पॉपुलर वाइल्ड कार्ड करेक्टर है लाइक ऑपरेटर के लिए, वो पहला है परसेंट और दूसरा है अंडरस्कोर। ये काफी पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेरी के साथ समझाऊं तो आई थिंक समझने में आसानी होगी आपको। देखो अगर मैं यहां पे लिखती हूं एक क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी लाइक, मैंने लिखा आर ओ, इसके बाद परसेंटेज और मैंने यहां लगा दिया सेमी कॉलन। तो सिंगल कोट के अंदर मैंने लिखा लाइक के बाद आर ओ परसेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि जितने भी इम्प्लॉयज हमारे टेबल में हैं, जो इम्प्लॉय टेबल के अंदर है, अगर उनकी सिटी के अंदर, सिटी जो है वो आर ओ से स्टार्ट हो रही है, आर ओ के बाद, इस परसेंट का मतलब ये है कि आर ओ के बाद चाहे तो हो 0 करेक्टर या हो 1 करेक्टर या हो मल्टीपल करेक्टर्स, वो सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं। लेट सपोज किसी एम्प्लॉय की सिटी रोहिणी है, तो यहाँ पे क्योंकि वो स्टार्ट हो रहा है आर ओ से, आर ओ के बाद कुछ भी आए तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की जो सिटी है वो रोहतक है तो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। इस अकॉर्डिंग जितने भी इम्प्लॉय की सिटी आर ओ से स्टार्ट हो रही है वो सभी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे परसेंट का मतलब क्या है कि परसेंट ये दिखा रहा है कि इस परसेंट का मतलब ये है कि इस परसेंट के लगाने के साथ यहाँ पे आर ओ के बाद चाहे 0 हो, 1 हो, मल्टीपल हो, कितने भी करेक्टर हो चल जाएंगे। तो इसका मतलब, इसका आंसर हमें यहाँ मिल चुका है, परसेंट लगाने से हम कितने भी करेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं, 0 को भी, 1 को भी और मल्टीपल करेक्टर्स को भी। अब मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखती अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं अंडरस्कोर का, तो अंडरस्कोर का एग्जाम्पल मैं अगर दूं आपको, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी लाइक, ठीक है, वेयर सिटी लाइक
अब मैंने यहां पे लिख दिया, जैसे मान लो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। इसका मतलब क्या है, अगर आपने अंडरस्कोर ओ एन डी ओ एन लिख दिया, इसका मतलब यह है कि आपके एम्प्लॉय टेबल से वो सारे एम्प्लॉय सिलेक्ट होने वाले हैं जिनकी जो सिटी है वो किसी भी करेक्टर के साथ शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में ओ एन डी ओ एन आना चाहिए। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ भी आए, कोई भी एक करेक्टर, ये जो वन करेक्टर है, पहले वाला करेक्टर है, ये कोई भी रैंडम करेक्टर हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये वाला पैटर्न मैच होना चाहिए। तो जनरली जो हमारा अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर का इस्तेमाल हम करते हैं एक सिंगल करेक्टर को दिखाने के लिए, ठीक है। और जो हमारा परसेंटेज है वो 0, 1 और मल्टीपल करेक्टर्स के लिए होता है। इसके अलावा भी हमारे पास होते हैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास यही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 2-3 होमवर्क क्वेश्चन भी देती हूँ ताकि आप कमेंट में इसका आंसर कर सके। सो इसका आंसर मिल गया, ए इज द आंसर। तो मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करती हूँ, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। मैं यहाँ पे आपके सामने 2 क्वेश्चन देके जा रही हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि क्या हो सकता है इसका राइट इंटरप्रिटेशन। बेसिकली आपको क्वेरी देख के उसका इंटरप्रिटेशन बताना है क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेरी नंबर 1 है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, वेयर नेम लाइक परसेंट ओ एम परसेंट सेमीकोलन। इस पर्टिकुलर क्वेरी का इंटरप्रिटेशन क्या है आपको ये बताना है, क्या मतलब है इस क्वेरी का, इस क्वेरी को चलाने से क्या आपको एज अ रिजल्ट मिलने वाला है। एक क्वेरी और है, एंड दिस इज द क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक अंडरस्कोर आर परसेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इन दोनों क्वेरीज का जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको बताना है। बेसिकली यू नीड टू टेल द डिस्क्रिप्शन कि क्या होने वाला है इस क्वेरी को रन करने से, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इन दोनों क्वेश्चंस का जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जिसका भी आंसर राइट होगा मैं वहां पे उसे पोस्ट करके बता दूंगी। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेटाबेस। बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है कि इनमें से डेटाबेस का हिस्सा क्या नहीं होता है, मतलब ऐसा इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो डेटाबेस से रिलेटेड नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है, फर्स्ट इज रिलेशनशिप्स, देन इज कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद आता है फ्रंट एंड, देन आता है स्कीमा। तो यहाँ पे आपको पता है, सबसे पहले बात करते हैं स्कीमा क्या होता है। स्कीमा बेसिकली ये बताता है कि जो हमारा डेटाबेस है उसका स्केलेटन क्या होने वाला है, ठीक है। तो स्कीमा में जो होता है वो बेसिकली आपको जितनी भी एंटिटीज आप बनाने वाले हो इन सबका नाम बताता है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आप उसमें रखने वाले हो, और उन एट्रीब्यूट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाला है, इसके बारे में बात करता है हमारा स्कीमा। तो किसी भी डेटाबेस का जो स्कीमा है वो कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता, वो बस आपके डेटाबेस का एक स्केलेटन होता है। क्या होता है, एक स्केलेटन होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपके डेटाबेस के अंदर आप कौन कौन सी एंटिटीज यूज कर रहे हो, एंटिटीज कौन सी होने वाली है, ठीक है, कौन कौन से हमारे एट्रीब्यूट होने वाले हैं, और उन एट्रीब्यूट के बीच में, आपस में एंटिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशनशिप है, इन सबको बताने में हेल्प करता है स्कीमा। बेसिकली एक आपका स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। तो स्कीमा तो ऑब्वियसली डेटाबेस का हिस्सा है ही। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है रिलेशनशिप, ये तो ऑब्वियसली होंगे, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी है, एम्प्लॉई है, कोर्स है,
टीचर है, उन सारी एंटिटीज में क्या रिलेशनशिप है, इसको दिखाने के लिए तो हमें डेटाबेस के अंदर डेफिनेटली जो रिलेशनशिप है वो हम कीज के थ्रू मेंटेन करते हैं। फिर आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। कॉन्स्टेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, कई बार क्या होता है हमें कुछ सर्टेन रूल्स लगाने पड़ते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, तो उसके लिए हम कॉन्स्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना फ्रंट एंड, फ्रंट एंड का यहाँ पे कोई भी रिश्ता नहीं है आपके डेटाबेस से। फ्रंट एंड तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड में तो आपको पता है कि हम सर्टेन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं, उन सर्टेन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करके हम फ्रंट एंड क्रिएट करते हैं जो हमारे यूजर को दिखाई देने वाला है। लेकिन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटाबेस, ये तो बैक एंड की बात है, ये तो बैक एंड में आता है, तो फ्रंट एंड तो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन हो गया। रही बात कॉन्स्टेंट की, तो कॉन्स्टेंट आप मान लीजिए वो सेट ऑफ रूल है, वो सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें हम अपने डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं ताकि हमारे डेटाबेस की जो इंफॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, डेटा इंटीग्रिटी इफेक्ट ना हो जाए और कोई भी इंट्रूडर हमारे डेटाबेस के अंदर इतनी आसानी से ना आ जाए। इसलिए हमें कॉन्स्ट्रेंट लगाने पड़ते हैं और कॉन्स्ट्रेंट काफ़ी टाइप के होते हैं। जैसे हमारे पास डोमेन कंस्ट्रेंट है, की कंस्ट्रेंट है, टपल यूनिकनेस होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे दो नाम लिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ज़रूर से अगर नहीं पढ़ा है तो इसे पढ़ लेना, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इसके अलावा एक होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो हमारे फॉरेन की से रिलेट करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ये दोनों आपको ध्यान से पढ़ने हैं, ज़रूर से इन दोनों कंस्ट्रेंट को रिवाइज कर लेना। हमेशा यहाँ से मैंने क्वेश्चन देखा है, कंस्ट्रेंट से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है। और बेसिकली ये जो आपका है एंटिटी इंटीग्रिटी, ये हमारा प्राइमरी की से होता है रिलेटेड, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारा फॉरेन की से रिलेशन रखता है, ठीक है। तो आपको कंस्ट्रेंट्स भी पढ़ने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ये डेटाबेस से रिलेशन नहीं रखता है, बाकी सारे डेटाबेस के रिलेशन वाले एलिमेंट्स में ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको मैचिंग दिख रही है, एक लिस्ट वन है, एक लिस्ट नंबर टू है। लिस्ट वन में वी हैव सम टर्म्स रिटन, लाइक वी हैव रिलेशनल एलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। और लिस्ट टू में हमारे पास इनके रिस्पेक्टिव में जो इनके आंसर्स हैं वो दिए हुए हैं, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। अगर आपको एग्जैक्टली इन टर्म्स का पता है मतलब क्या है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, बट अगर आपको इनका आइडिया नहीं है तो फिर ये वाला क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके आप इसे कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं और फिर इसका आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे स्पेशलाइजेशन के साथ। स्पेशलाइजेशन टर्म का मतलब क्या है, तो स्पेशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके हम एक एंटिटी को सब एंटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक एम्प्लॉय एंटिटी है, एम्प्लॉय एंटिटी है। अब इस एम्प्लॉय एंटिटी को मैं सब एंटिटीज में डिवाइड कैसे करूंगी, तो यहां मैंने लिखा इस तरीके से इज अ एम्प्लॉय, इज अ एम्प्लॉय क्या क्या हो सकता है, तो हमारा जो एम्प्लॉय है वो हो सकता है टेक्नीशियन हो सकता है, एग्जाम्पल है ये, एम्प्लॉय कैन बी अ टेक्नीशियन, एम्प्लॉय कैन बी अ डेवलपर, एम्प्लॉय कैन बी अ अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मैंने एक एंटिटी को सब एंटिटी में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा टेक्नीशियन है वो काम करेगा अपने डिवाइसेस पे, जो डेवलपर है वो काम करेगा कोडिंग पार्ट पे, जो अकाउंटेंट है वो काम करेगा हमारे अकाउंट्स पे, मतलब वो डेबिट करेगा और क्रेडिट करेगा, इस तरीके से डेबिट और क्रेडिट करेगा। और जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अपने एट्रीब्यूट्स क्या है कि एम्प्लॉय का एक नाम होता है,
और एम्प्लॉय की एक सैलरी होती है। तो इस तरीके से हमने एक एम्प्लॉय एंटिटी को डिवाइड कर दिया फर्दर सब एंटिटीज में। तो आपने देखा ये टॉप से लेके डाउन अप्रोच है। स्पेशलाइजेशन इज ऑलवेज टॉप टू डाउन अप्रोच। और लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा भी था कमेंट में कि स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन कैसी अप्रोचेस है, तो मैंने आपको इसका आंसर भी दिया। और जो बच्चे भी आंसर करते हैं वेरी गुड, दे आर ट्राइंग टू रिवाइज देयर कॉन्सेप्ट थ्रू कमेंट्स, बहुत अच्छी बात है। तो टॉप डाउन अप्रोच होती है हमारी स्पेशलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए। और जो स्पेशलाइजेशन के पीछे एक आइडिया है वो ये है कि हमें एक एंटिटीज के सबसेट्स को निकालना अगर है, जिन सबसेट्स के अपने खुद के डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट्स हैं, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं किसका, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं एक स्पेशलाइजेशन प्रोसेस का। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो है उसका नाम है, उसकी सैलरी है, लेकिन अगर मैंने उस एम्प्लॉय को डिवाइड कर दिया टेक्नीशियन में, डेवलपर में और अकाउंटेंट में, तो हर एक एम्प्लॉय के सब सेट का अपने खुद के डिस्टिंग्विश एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये तरीका होता है स्पेशलाइजेशन में एक पर्टिकुलर एंटिटी को डिवाइड करने का। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता लग गया कि स्पेशलाइजेशन जो है वो तो हमारी टॉप टू डाउन अप्रोच है। तो फोर्थ का तो आंसर आर होने वाला है। फोर्थ का आंसर आर यहाँ पे है और यहाँ पे, इट मींस थर्ड वाला ऑप्शन और फर्स्ट तो वैसे ही क्रॉस हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जर्नलाइजेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इसके नोट्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने अभी ये कर लिया है, अब हम बात करते हैं जर्नलाइजेशन की। जर्नलाइजेशन जो है वो बेसिकली रिवर्स प्रोसेस है बिल्कुल स्पेशलाइजेशन का। क्या है ये? रिवर्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वहां पे हम टॉप से डाउन में आ रहे थे, यहाँ पे हम बॉटम से अप में जाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम जो हमारी ऑलरेडी एंटिटीज अवेलेबल है उन एंटिटीज को जोड़ के एक जर्नलाइज एंटिटी बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो एक स्टूडेंट है हमारे पास, एक स्टूडेंट है हमारे पास, और हमारे पास एक और एंटिटी है, मान लेते हैं टीचर है। एक स्टूडेंट है एंटिटी, एक टीचर एंटिटी है। टीचर का एट्रीब्यूट है कि टीचर सैलरी लेती है पढ़ाने के बदले में, और जो हमारा स्टूडेंट है वो बेचारा ग्रेड लेके आता है, जब भी वो पढ़ाई करता है उसे ग्रेड मिलता है। ठीक है, अब दोनों ही क्या है, स्टूडेंट भी और टीचर दोनों ही क्या है, दोनों ही हमारे क्या है, पर्सन तो है ही, तो इज अ दोनों क्या है, हमारे पर्सन है, और पर्सन है तो पर्सन का तो नेम भी होगा और पर्सन का एड्रेस भी होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट के अपने एट्रीब्यूट थे, टीचर के अपने एट्रीब्यूट थे, लेकिन दोनों क्या है, पर्सन तो है ही। तो पर्सन हमने एक एंटिटी बनाई जो कि एक जर्नलाइज्ड एंटिटी है, और जो क्योंकि वो पर्सन है तो वहां पर क्या हो गया, उसका एड्रेस भी है और नेम भी है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास नेम है, एड्रेस है, ग्रेड है, टीचर के पास नेम है, एड्रेस है और सैलरी है। तो जर्नलाइजेशन से हमने क्या किया, एक जो हमारी लोअर लेवल एंटिटीज है उन्हें कंबाइन करके एक हायर लेवल एंटिटी क्रिएट करी, जिसे हम बोलते हैं जर्नलाइज्ड एंटिटी। क्या बोलते हैं? जर्नलाइज्ड एंटिटी। तो ये हमारा हो गया, तो हम कह सकते हैं जो हमारा जर्नलाइजेशन है वो हमारा बॉटम अप अप्रोच है। कैसी अप्रोच है? बॉटम अप अप्रोच है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक और टर्म होती है, दैट इज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्रीगेशन क्या है। तो एग्रीगेशन बेसिकली क्या होता है, रिलेशन विद अनदर रिलेशन। एक रिलेशनशिप को हम एक एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं और उसका रिलेशनशिप किसी दूसरे एंटिटी के साथ बनाते हैं, तो वहां पर हम एग्रीगेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको एग्रीगेशन के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। बेसिकली एग्रीगेशन एक प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके जब हमें एक सिंगल एंटिटी के साथ जो रिलेशन है वो नहीं बन पाता, तो हम क्या करते हैं, एक पूरा जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसे ही एक एंटिटी की तरह एक्ट करके और फिर आगे उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो
तो यहाँ पे हमने देखा कि जर्नलाइजेशन का आंसर हो गया है, थर्ड का हो गया है एस। तो थर्ड का एस यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसका मतलब अब आपको ध्यान देना पड़ेगा रिलेशन एलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस में कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले रिलेशनल एलजेब्रा क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशनल एलजेब्रा को आपने जरूर से पढ़ा होगा, मैं एक बार आपको ब्रीफली बता देती हूँ। रिलेशनल एलजेब्रा देखो, रिलेशनल एलजेब्रा हमारी सबसे पहले प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें ये तो बताना है कि क्या करना है और ये भी बताना है कि कैसे करना है। सो वी नीड टू टेल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जो भी यहाँ पर हम क्वेरी लिखते हैं उसमें हमें दोनों चीजें बतानी है कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा को डॉक्टर ई एफ कोड ने ही डिफाइन किया था 1970s में। और यहाँ पे बहुत सारे सेट ऑफ ऑपरेशंस है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी रिलेशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे हम बेसिकली सेलेक्शन और प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सेलेक्ट का मेनली करते हैं इस्तेमाल और प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जैसे हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, प्रोडक्ट है, फिर प्रोजेक्शन है, सिलेक्शन है, डिवीजन है, ज्वाइन है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रिलेशनल एलजेब्रा है वो हमारी क्या होती है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें यहाँ पे रिलेशनल कैलकुलस की, रिलेशनल कैलकुलस की, तो रिलेशनल कैलकुलस हमारी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है, या फिर इसे आप बोल सकते हो डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज। नॉन प्रोसीजरल ना बोल के आप इसे डिक्लेरेटिव क्वेरी लैंग्वेज भी कह सकते हो। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है कि व्हाट टू डू, कैसे करना है ये करने की जरूरत नहीं है एक्सप्लेन। तो हमें सिर्फ व्हाट टू डू बताना है बट नेवर एक्सप्लेन हाउ टू डू इट। अब यहाँ पे दो फॉर्म्स आप पढ़ते हो, टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। एक हम पढ़ते हैं टपल रिलेशनल कैलकुलस और एक हम पढ़ते हैं डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। इन दोनों को आपको एक बार पढ़ना है ताकि जो भी आपके कंफ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, दोनों को एक बार रिवाइज कर लेना, टपल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज, रिलेशनल कैलकुलस इज नॉन प्रोसीजरल, जनरलाइजेशन हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी बॉटम से टॉप, और स्पेशलाइजेशन होती है टॉप से बॉटम। इट मींस हमारा जो आंसर है बनेगा, फर्स्ट का होता है हमारा क्यू, सेकंड का पी, थर्ड का एस, फोर्थ का होता है आर। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और जितने भी कॉन्सेप्ट आपको दिख रहे हैं उनको आपको रिवाइज करना है बिकॉज एग्जाम में यहाँ पे किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू डेटा वेयर हाउस OLAP stands for। तो यहाँ पे OLAP से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने जरूर से पढ़ा होगा OLTP और OLAP। यहाँ से हर बार डिफरेंट से भी क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो OLAP की फुल फॉर्म पूछे बेसिकली यहाँ पे हमसे, फुल फॉर्म इज ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, OLAP stands for ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अब इसमें होता क्या है इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो, ये एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टूल है जिसका इस्तेमाल करके अगर हमें किसी भी बिजनेस के अंदर डेटा को एनालाइज करना है तो वहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल डेटाबेस सिस्टम से अगर आपको एक टाइम पर डेटा को रिट्रीव करना है तो हम OLAP का इस्तेमाल करते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल ऑफ OLAP, तो आपने जरूर से नेटफ्लिक्स तो यूज किया होगा, किया है ना,
सबने नेटफ्लिक्स यूज किया है, तो नेटफ्लिक्स क्या करता है, आपको आपके हिस्ट्री डेटा के अकॉर्डिंग मूवी रिकमेंडेशन करता रहता है, तो वो आपका ओलैप का एग्जाम्पल है। सिमिलरली स्पॉटिफाई या फिर आप गाना सुनते हो, तो वहां पर क्या होता है, जो भी आपने सॉन्ग सुने हैं उन सॉन्ग्स के बेसिस पे, जो अभी जो भी आपका हिस्ट्री अवेलेबल थी उसके बेसिस पे वो आपको एक पर्सनलाइज होम पेज या आपके लिए एक डिजायर्ड प्लेलिस्ट वगैरह बना के देता है, तो वो हमारा क्या है, ओलैप का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर डिसीजन उसने वहां पर डेटा को एनालाइज किया और फिर आपके सामने जो इनसाइट्स है वो आपको दिखाना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओएलटीपी की। ओएलटीपी, तो ओएलटीपी जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। क्या होती है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारी डे टू डे लाइफ की ट्रांजेक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें ऑनलाइन बैंकिंग हम यूज करते हैं, तो ऑनलाइन बैंकिंग में जो भी ट्रांजेक्शन है वहां पे ओएलटीपी है, या फिर आप एयरलाइन टिकट बुक करते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पर आपने ज़रूर से ऑनलाइन बैंकिंग करी होगी, या फिर आपने ऑनलाइन एयरलाइन टिकट बुक किया होगा, या फिर आप किसी को अगर मैसेज भी भेजते हैं, तो उस टाइम पर जो भी आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन है उस डेटा को एनालाइज किया करता है कौन, ओएलटीपी सॉफ्टवेयर। तो इस टाइप से यहाँ पे एटीएम सेंटर जो है वो भी आपका एक ओएलटीपी एप्लीकेशन है। तो आपको ज़रूर से इन सबके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। तो याद रखिए कि डेटा वेयर हाउस के अंदर ओलैप का इस्तेमाल करते हैं जहां पे हिस्ट्री डेटा को देखा जाता है, और ओएलटीपी के अंदर डे टू डे ट्रांजेक्शन को देखा जाता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन को देखा जाता है। और ओलैप क्या करता है, हिस्टोरिकल डेटा को देखता है और उसके बेसिस पे फिर एनालाइज करने के बाद आपको इनसाइट दिखाता है हिस्टोरिकल डेटा। तो आई होप आपको यहाँ पे इसका एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, डर्टी रीड, अनरिपीटेबल रीड एंड अनकमिटेड डिपेंडेंसी। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन आया हुआ है ट्रांजेक्शन से। ठीक है, ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या है, जब हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक पर्टिकुलर सेट में एग्जीक्यूट करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन, और ट्रांजेक्शन से ही मिलके बनता है शेड्यूल। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी शेड्यूल की, मैं अगर आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दूँ रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, तो एक शेड्यूल में कुछ सर्टेन ट्रांजेक्शंस होते हैं और ये जो ट्रांजेक्शंस हैं ये बेसिकली ये बताते हैं कि कौन सा ऑपरेशन हमने कब परफॉर्म किया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जो क्वेश्चन में बोला है रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, तो मान लेते हैं ये T1 ट्रांजेक्शन है हमारे पास और ये T2 ट्रांजेक्शन है। अगर मान लेते हैं T1 ट्रांजेक्शन ने रीड परफॉर्म किया है A वेरिएबल पे, और इसके बाद T2 ने भी रीड परफॉर्म कर दिया और T2 ने राइट भी कर दिया A को और कमिट कर दिया, तो ट्रांजेक्शन 1 ने रीड किया था, रीड के बाद ट्रांजेक्शन 2 पे कंट्रोल आ गया, यहाँ पे रीड हुआ, राइट हुआ, कमिट हो गया। कमिट का मतलब क्या, जैसे आपने कमिट किया तो आपने सेकेंडरी मेमोरी के अंदर वैल्यू को सेव कर दिया। मान लेते हैं ए की वैल्यू पहले थी 10, 10 की वैल्यू यहाँ रीड हुई, 10 की वैल्यू यहाँ रीड हुई, उसके बाद ट्रांजेक्शन T1 चला गया, सस्पेंड हो गया, T2 ने उसे राइट कर दिया। मान लेते हैं T2 ने उसकी वैल्यू अपडेट करके 11 कर दी और फिर कमिट कर दिया, तो सेकेंडरी मेमोरी में 10 से वैल्यू हो गई 11। अब अगर T1 फिर से कंटिन्यू करना चाहे तो वो यहाँ पे इस वाले रीड को कंटिन्यू नहीं कर सकता बिकॉज वैल्यू हैज बीन अपडेटेड। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अनरिपीटेबल रीड। क्या बोलेंगे, अनरिपीटेबल रीड, कि आप अब उस वाले रीड को रिपीट नहीं कर सकते, T1 अब इस वाले रीड को रिपीट नहीं कर सकता, और इसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे रीड राइट का कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, क्या हो गया है, रीड, क्योंकि T1 ने तो रीड किया लेकिन T2 ने राइट भी कर दिया, इसलिए हो गया रीड राइट
कॉन्फ्लिक्ट। तो दो नाम है इसके, या तो बोलेंगे अनरिपीटेबल रीड या बोलेंगे रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन, अगले उसके टॉपिक की। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ इसी वाले एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं कि हमने ये देख लिया अनरिपीटेबल रीड को ही हम बोलते हैं रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट। अब हम बात कर लेते हैं, लेट सपोज डर्टी रीड किसे बोलते हैं, डर्टी रीड। तो डर्टी रीड में क्या है, मान लो ये ट्रांजेक्शन टी वन है, ये ट्रांजेक्शन लेट सपोज टी टू है। ट्रांजेक्शन टी वन ने रीड किया, ट्रांजेक्शन टी टू ने राइट किया। अब ये राइट करने के बाद कमिट करने जा ही रहा था, इससे पहले टी टू ने आके रीड कर लिया। तो जो वैल्यू लेट सपोज ए की वैल्यू यहाँ पे सेवन थी, यहाँ पे सेवन वैल्यू रीड हुई, यहाँ पे एट हो गई वैल्यू, लेकिन इस एट को कमिट करने से पहले ही स्टीवन ने रीड कर लिया। तो ये तो सेवन ही रीड करेगा, बिकॉज ये तो जो वैल्यू है वो रीड करने वाला है, लेकिन वैल्यू एक्चुअली में एट हो चुकी है और उसके बाद जाके यहाँ पे कमिट किया गया है। तो अब जो टी टू ने वैल्यू रीड कर ली है वो तो गलत वैल्यू है, वो अब वैल्यू है ही नहीं, तो इसने डर्टी रीड कर लिया है। क्या कर लिया है, डर्टी रीड कर लिया है। और डर्टी रीड को ही हम बोलते हैं अनकमिटेड डिपेंडेंसी, क्योंकि टी वन ने अपना जो ऑपरेशन है वो कमिट किया ही नहीं था, उससे पहले ही टी टू ने रीड कर लिया। तो डर्टी रीड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अनकमिटेड डिपेंडेंसी। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि टी वन ने कमिट ही नहीं किया था, अनकमिट था वो, और उससे पहले ही टी टू ने रीड कर लिया, तो उसने डर्टी रीड कर लिया है। जो वैल्यू उसने रीड कर लिया, वैल्यू तो अब है ही नहीं, वैल्यू हैज बीन अपडेटेड टू एट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, हमने ये सीख लिया कि डर्टी रीड और अनकमिटेड डिपेंडेंसी एक ही है। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होती है, और इसे एक और नाम से बुलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं देख लेते हैं। मान लेते हैं टी वन है, ये टी टू है। लॉस्ट अपडेट का मतलब ये है कि टी वन ने रीड किया और टी वन ने राइट किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि राइट किया था लेकिन कमिट नहीं किया, कमिट करने से पहले टी टू ने ही राइट कर लिया और कमिट कर दिया। तो अब जो, जैसे मान लो ए की वैल्यू यहाँ पे सेवन थी, सेवन को यहाँ रीड करा गया, इसने इसको एट किया, इसने फिर से इसको नाइन कर दिया और कमिट कर दिया। तो जो चेंज हमारा टी वन ने किया वो तो कहीं पे हुआ ही नहीं, वो तो लॉस्ट ही अपडेट हो गया। जो लॉ अपडेट आपने किया है वो तो लॉस्ट हो गया, आपने एड किया था टी वन ने, वो तो अपडेट जो था वो लॉस्ट हो गया। इसे बोलते हैं लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, लॉस्ट। आपको हर एक प्रॉब्लम का मतलब पता होना चाहिए कब क्या हो रहा है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। और इसको हम ब्लाइंड राइट भी कहते हैं, मतलब टी टू ने ब्लाइंडली राइट कर लिया रीड करे बिना, तो इसे बोलते हैं ब्लाइंड राइट। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लाइंड राइट प्रॉब्लम। ठीक है, तो टी टू ने बिना रीड करे ही क्या करा, जो पहली वाली वैल्यू थी उसे ही क्या कर दिया, अपडेट कर दिया फिर से। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो टी हमारा टी वन था उसका जो अपडेट था वो लॉस्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डर्टी रीड, आपको मैंने बता दिया है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था कि रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट को और क्या बोल सकते हैं, तो रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलते हैं अनरिपीटेबल रीड। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, आपको सारे पता होने चाहिए, कोई सा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होते हैं ना, हायरार्किकल, रिलेशनल और नेटवर्क, ये तीनों रिकॉर्ड बेस्ड डीबीएमएस के अंदर आते हैं, सिक्वेंशियल कोई टाइप होता ही नहीं है, सिक्वेंशियल इज द रॉन्ग आंसर। तो हमने लास्ट क्लास में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था कि रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल क्या होते हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल कैसे अलग एक दूसरे से, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो बिल्कुल ही अलग हो गया उसके अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी, नॉट अ वैलिड कैटेगरी में आंसर आएगा, सिक्वेंशियल कोई कैटेगरी नहीं होती है,
पढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपेरिजन ऑपरेटर इन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कंपेरिजन एसक्यूएल के अंदर वी हैव सिक्स कंपेरिजन ऑपरेटर्स। इन एसक्यूएल वी हैव सिक्स कंपेरिजन ऑपरेटर विच कैन बी एबल टू यूज इन द क्वेरीज। ठीक है, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन, लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, नॉट, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये सिक्स हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है एसक्यूएल में, जिन्हें हम क्वेरीज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम ईएमपी टेबल वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। तो इस क्वेरी से क्या होगा, हमने यहाँ पे लगाया कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रेटर देन। जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 50,000 से ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज के नाम को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा इस क्वेरी के थ्रू। तो इस तरीके से आप कोई भी इन 6 में से कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हो और अपनी क्वेरी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आई होप यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्लस, डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये कंपैरिजन ऑपरेटर की कैटेगरी में नहीं आते हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल्फ ज्वाइन इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ज्वाइन भी बताया था अच्छे तरीके से। ज्वाइन का मतलब क्या है, स्पेशली सेल्फ ज्वाइन का मतलब क्या है, जब एक ही टेबल अपने आप से ही ज्वाइन हो जाती है और उसी के साथ अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट लेती है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको प्रीवियस क्लास पता होगी, तो मैंने वहाँ पे आपको डिटेल के अंदर बताया था किस तरीके से सेल्फ ज्वाइन हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ ज्वाइन भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैंने बताया हुआ है इसलिए मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। हाउ मैनी एंटिटीज आर एसोसिएटेड इन द क्वार्टनरी रिलेशनशिप इन ईआर मॉडलिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जितने भी रिलेशनशिप के अंदर एंटिटीज इन्वॉल्व है, उन्हीं के बेसिस पे हमारे बनते हैं टाइप ऑफ रिलेशनशिप। जैसे मान लो अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एंटिटी है, ओनली वन एंटिटी है, तो वन एंटिटी के साथ जो बनता है रिलेशनशिप, उसे बोलते हैं रिकर्सिव रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं? रिकर्सिव रिलेशनशिप बोलते हैं, जिसमें वन एंटिटी ही इन्वॉल्व रहती है। या फिर इसे यूनरी रिलेशनशिप भी कहते हैं, यूनरी रिलेशनशिप। एग्जाम्पल की बात करें तो अ पर्सन इज मैरिड टू अ पर्सन। तो यहाँ पे पर्सन और पर्सन दोनों सेम एंटिटी है, उन्हीं का हमने आपस में क्या कर दिया है, एक रिलेशनशिप डिफाइन कर दिया है। तो है तो ये रिकर्सिव रिलेशनशिप ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हमारे पास टू एंटिटीज हो जाती है, टू एंटिटीज। तो टू एंटिटीज के केस में जो बनता है हमारे पास, वो बनता है बाइनरी रिलेशनशिप। क्या बनता है? बाइनरी रिलेशनशिप। जैसे मान लो स्टूडेंट एंटिटी इनरोल इन कोर्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, उनके बीच में इनरोल इन एक क्या है, रिलेशनशिप है। तो ये हो गया आपका बाइनरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। इसके बाद हम बात करते हैं थ्री एंटिटीज। थ्री एंटिटीज भी हो सकती है हमारे पास। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है स्टूडेंट, कोर्स और टीचर। ये आपस में लिंक्ड अप है, ऐसे बोलेंगे हम टर्नरी रिलेशनशिप। क्या बोलेंगे? टर्नरी रिलेशनशिप। अब हमारे पास जो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो है क्वार्टेनरी, क्वार्टेनरी रिलेशनशिप क्या होता है।
जहां पे चार एंटिटीज एक साथ आपस में रिलेटेड है उसे बोलेंगे क्वाटिनरी। तो इट मींस यहाँ पे हमारे पास फोर एंटिटीज है। जैसे मान लेते हैं एक हमारे पास हो गया है टीचर, देन वी हैव कोर्स, देन वी हैव डिपार्टमेंट, और यहां मान लेते हैं एक हमारे पास है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब जो है वो आपस में क्या है इस तरीके से रिलेटेड है, इस तरीके से। ठीक है, आपस में ऐसे क्या है रिलेटेड है। तो ये जो एग्जाम्पल बनता है हमारे पास, ये बन गया हमारे पास क्वाटिनरी रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे चार एंटिटीज जो है, तो यहाँ पे चार एंटिटीज आपस में क्या है रिलेटेड है, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल बनाया क्वाटिनरी रिलेशनशिप का। तो इसका मतलब चार एंटिटीज यहाँ पे होने वाली है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है एसिड प्रॉपर्टीज से। अगेन ट्रांजेक्शन आपने देखा, यहाँ पे ट्रांजेक्शन बेसिकली है क्या, ट्रांजेक्शन में हम एक सीरीज ऑफ एक्शन को रखते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस के कंटेंट को रीड या अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी डेटाबेस के ऊपर जो लॉजिकल यूनिट है वर्क की, वो हमारा ट्रांजेक्शन के थ्रू होता है। अब ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो बेसिकली चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एसिड प्रॉपर्टीज, जिसका मतलब होता है ए फॉर एटॉमिक, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेटेड एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे ए फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इंस्टेंस नहीं होता, इट इज आइसोलेशन, और लास्ट होता है ड्यूरेबिलिटी। तो एटॉमिसिटी का मतलब क्या है कि या तो आप कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन या एक्शन करोगे पूरा कंप्लीट, या फिर उसे बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है या तो बिल्कुल एबॉर्ट कर दोगे या बिल्कुल कमिट कर दोगे, दो चीज ही कर सकते हो। तो ऑल करोगे या नन करोगे, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, ऑल और नन, या तो पूरा करोगे या फिर बिल्कुल भी नहीं करोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं किया उससे पहले हमारा डेटाबेस एक कंसिस्टेंट स्टेट में है, तो अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करा है उसके बाद भी कंसिस्टेंट स्टेट में रहना चाहिए आपका डेटाबेस। तो जैसे अपडेशन करने से जो इनकंसिस्टेंसी है वो नहीं आनी चाहिए हमारे डेटाबेस के अंदर, ये होता है कंसिस्टेंसी के अंदर। नाउ व्हाट इज आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब क्या है कि अगर दो ट्रांजेक्शन एक साथ काम कर रही है तो एक ट्रांजेक्शन का जो अपडेट है वो दूसरे ट्रांजेक्शन के अपडेट को बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेगा, और वो दोनों आपस में इस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे कि एक ट्रांजेक्शन जब तक जो T2 है वो किसी पर्टिकुलर अगर सेम वेरिएबल को यूज कर रहा है, अगर T2 उसे कमिट नहीं कर देगा जब तक T1 जो है वो उसके अपडेट को देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब जब तक वो कमिट नहीं करेगा तब वो देख नहीं पाएगा, कमिट करने के बाद ही T1 जो है वो T2 की अपडेट को देख पाएगा, इन वाइस वर्सा। तो दो ट्रांजेक्शन अगर सेम वेरिएबल्स पे काम कर रही है तो एक ट्रांजेक्शन की कमिट करने के बाद ही दूसरा ट्रांजेक्शन उसके अपडेट को देख सकता है, ये होता है आइसोलेशन। एंड लास्ट इज ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है जो चेंजेस हमने करे हैं, जो भी चेंजेस हमने करे हैं डेटाबेस के अंदर, वो चेंजेस परसिस्ट करने चाहिए चाहे हमारे साथ एक कोई सिस्टम फेलियर भी हो जाए। मतलब अगर हमने किसी ट्रांजेक्शन को कमिट कर दिया है तो जो उसका अपडेट है वो सर्वाइव करेगा चाहे हमारे सिस्टम में क्रैश ही क्यों ना आ जाए। तो ड्यूरेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिकवरी सिस्टम जो होता है वो हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार रफली एक डायग्राम बना देती हूँ स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो सबसे पहले हमारा ट्रांजेक्शन होता है एक्टिव स्टेट में, जब वो एकदम स्टार्ट होता है ना, एक्टिव स्टेट बिगिनिंग में। तो यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन क्या हो गया, एक मिनट, ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बिगिनिंग हो गई, बिगिन ट्रांजेक्शन।
एक्टिव स्टेट के बाद क्या होता है, यहाँ पर या तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है अगर वो रीड राइट कर रहा है तो वो एक्टिव में रहेगा, रीड राइट कर रहा है, रीड कर रहा है या फिर राइट कर रहा है। लेकिन आगे जाने के बाद जब आप उसे एंड ट्रांजेक्शन की तरफ ले जाओगे, एंड ट्रांजेक्शन, तो वो जाएगा पार्शली कमिटेड स्टेट पे। कहाँ जाएगा? पार्शली, पार्शली कमिटेड स्टेट। और इसके बाद क्या होगा? पार्शली कमिटेड के बाद वो फाइनली जब कमिट आप कर दोगे, कमिट आप कर दोगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कमिटेड स्टेट में आ जाएगा। कमिटेड मतलब वो पूरा कंप्लीट हो चुका है कमिटेड। लेकिन अगर हमने एंड ट्रांजेक्शन नहीं किया और उसे एबॉर्ट करना पड़ गया, एक्टिव जो था उसे एबॉर्ट करना पड़ गया फॉर एनी रीजन, तो जो है वो हमारा जाएगा फेल्ड स्टेट में। कहाँ जाएगा? फेल्ड स्टेट में जाएगा। और फेल्ड स्टेट में जाने के बाद क्या हो जाएगा फिर? अच्छा, इसके बाद ये है कि कई बार वो पार्शियली कमिटेड होने के बाद भी एबॉर्ट करा जा सकता है ना? तो दोनों ही स्टेट में फेल्ड में आ जाएगा। फेल्ड के बाद उसको अल्टीमेटली टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसे ही कमिटेड के बाद भी वो फाइनली टर्मिनेट हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? हमारा बिगिनिंग हुआ, बिगिन के बाद हमारा एंड हुआ, एंड के बाद हमारा कमिट हुआ, ठीक है? या फिर कमिट नहीं हुआ तो क्या हुआ? वो फिर क्या हो गया? इस तरीके से एबॉर्ट हो गया, या तो इस तरीके से या तो फिफ्थ तरीके से, और फिर फाइनली वो क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया। तो हमारा एंड में हो जाएगा टर्मिनेट। तो आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं कि क्या होते हैं डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है? बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज व्हाट इज ज्वाइन ऑपरेशन इन एसक्यूएल। ज्वाइन ऑपरेशन क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ज्वाइन एक ऑपरेशन है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स, टू और मोर टेबल्स की रोज को कंबाइन करते हैं, कम से कम उसमें एक या एक से ज्यादा अगर कॉमन कॉलम्स है तो, ठीक है? इसके हमने बहुत सारे टाइप पढ़े थे, नेचुरल ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल आउटर, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। तो ज्वाइन आप बेसिकली क्या होता है, ज्वाइन के अंदर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं एंड विच इज फॉलोड बाय द सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो यहाँ पे जिन टेबल्स को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, जिनके बीच में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हो, उन टेबल में एटलीस्ट एक कॉलम तो कॉमन होना चाहिए, तभी आप ज्वाइन लगा सकते हो। एक से ज्यादा कॉलम भी कॉमन हो सकते हैं। तो इसे भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में डिटेल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी के साथ साथ अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, ताकि उन सभी फ्रेंड्स की आप हेल्प कर पाएं जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर द टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस। और अगर आपको कुछ भी न्यू इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर कोई भी न्यू सब्जेक्ट आप चाह रहे हैं कि मैं स्टार्ट करूं, या जो भी आपको मुझसे बात करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिएगा। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू सी दैट कमेंट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।